नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर सिंह और आप देख रहे हैं समृद्ध भारत न्यूज। आज हम आ चुके हैं कौंडली विधानसभा के कौंडली वार्ड 007E में, जहां पे अगर बात की जाए बीएसपी नेता विजय कुमार जी, जो कि यहां से नेता नहीं एक बेटा बनके घर घर जाके काम कर रहे, जिनका सफर मैं कहूँगा एक समाज सेवी के तौर पर है। तो ऐसे एक समाज सेवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि वार्ड के वार्ड इंचार्ज भी हैं। तो आइए बात करते हैं सर। आप सबसे पहले हमारा मैं कहूँगा सफ़र जो आपके एरिया में रहा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि हमने जो सर्वे किया उसमें ऐसा सुनने में आया कि आपने लोगों की हमेशा निरंतर मदद की, लोगों का साथ दिया। तो ऐसे में आज हम आपसे लाइव बात करना, आपसे ऐसा मौका मिल रहा है बात करने का, तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने हमें मौका दिया यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत। आप हमें अपना परिचय अपने शब्दों में थोड़ा बताएं। जी धन्यवाद सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ बहुजन समाज पार्टी कौंडली वार्ड की तरफ से कि आप आए और हमें अपना कीमती समय दिया। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विजय कुमार है, मैं यहाँ कौंडली गांव से हूँ, प्रॉपर कौंडली गांव से हूँ, मेरा जन्म कौंडली गांव में हुआ है। और बचपन से ही जब से मैंने होश संभाला है सामाजिक कार्यों में, जब से मैंने होश संभाला सामाजिक कार्यों में काम किया है। और बहुजन समाज पार्टी में मैं बूथ से लेकर दिल्ली प्रदेश का महासचिव दो बार रहा हूँ। मैंने हर पद पे काम किया, चाहे बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे सेक्टर अध्यक्ष हो, चाहे विधानसभा चाहे अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, कोऑर्डिनेटर लोकसभा के, लगभग विभिन्न विभिन्न पदों पर रहकर मैंने काम किया है। और अभी आपके सामने जैसा आपने कहा कि मैं, यदि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुझे आशीर्वाद देकर इस वार्ड से चुनाव लड़ाने के लिए आशीर्वाद देती हैं, तो मैं चुनाव लड़ूंगा बड़ी मजबूती से और जनता की मांगों पर, जनता के जो मुझसे आशा है उन पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। विजय जी, बात की जाए अगर आपके वार्ड की या बात की जाए दिल्ली की, क्योंकि ये दिल्ली का एमसीडी चुनाव है, तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए चुनाव की, आने वाले आगामी जो चुनाव है एमसीडी के, तो दिल्ली में आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है? क्योंकि वो बात करती है, अगर उनके एजुकेशन मॉडल पे बात की जाए, अगर उनके हेल्थ मॉडल की बात की जाए, या इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी चीज में बात करें, तो ऐसा आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और एमसीडी में तो बीजेपी अच्छा काम कर ही रही है, तो बीएसपी क्यों? सर मैं बताना चाहता हूँ कि आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर या स्वास्थ्य या शिक्षा पर, आप आरटीआई डालकर देखिए पिछले 7 सालों में आम आदमी पार्टी ने कितने नए स्कूल बनाए, कितने नए अस्पताल बनाए, या इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कितने नए बिल्डिंगें तैयार की हैं। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने केवल रेनोवेशन का काम किया है। और रेनोवेशन का काम भी इसका, जैसे स्कूलों में जो क्लासेस बढ़ाई हैं, तो बच्चों के प्लेग्राउंड कम करके उनमें 2-4 क्लास बना दिए, और उसमें भी एक एक क्लास का खर्चा लगभग 26 लाख रुपए है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा घोटाला नहीं है क्या कि 26 लाख रुपए एक कमरे के लिए? दूसरी बात स्वास्थ्य के बारे में कहूँ कि स्वास्थ्य की जो ये लोग झूठ बोलते हैं स्वास्थ्य की, दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत अच्छी कर दी है, शिक्षा के मामले में जो बच्चे हमारे शेड्यूल कास्ट का जितना भी वजीफा होता था वो सब खत्म कर दिया गया, सारा उन्होंने अपनी एडवर्टाइजिंग में लगा दिया है। हमारे बच्चे जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे होते थे, पहले 100-200 रुपए का जो फॉर्म भरता था 10th और 12th के एग्जामिनेशन फीस, इस बार 2200-2300 रुपए ली गई है। तो शिक्षा में इन्होंने शिक्षा में काम नहीं किया, बल्कि शिक्षा को महंगा करने का काम किया है, लोगों को, गरीब आदमियों को शिक्षा से दूर करने का काम किया है। स्वास्थ्य में भी यही सब परेशानियां हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, कहीं भी संसाधनों के नाम पर आप जाएंगे तो कहीं एक्सरे मशीन खराब है, कहीं आपको मिलेगी तो डेट, आज आप इलाज कराने जाए हार्ट की आपको प्रॉब्लम है, डेट मिलेगी 3 महीने बाद की वाल डालने की, क्या 3 महीने हार्ट वाला आदमी जिंदा रह पाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं करा कि दिल्ली के, मैं तो कहूँगा दिल्ली को उन्होंने 50 साल पीछे कर दिया है। जो दिल्ली तेज रफ्तार से आगे बढ़ी थी, दिल्ली का जो कायाकल्प हो रहा था वो नहीं हो पाया है। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी में आप देख लीजिए, एमसीडी में बीजेपी है, आज जो आंगनवाड़ी की जो महिला वर्कर है वो बेचारी सड़क पे हैं, धरने पे हैं, आपके सफाई कर्मचारी सारे सड़कों पे हैं, धरने पे हैं, हड़ताल पर हैं, आपके जो टीचर हैं एमसीडी के, उनकी 6-6 महीने का 8-8 महीने की सैलरी नहीं मिली है। तो बीजेपी और ये दोनों एक एक थाली के चट्टे बट्टे हैं।
दोनों नूरा कुश्ती करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे केंद्र में सरकार नहीं है तो हमें फंड नहीं मिलता, ये कहते हैं कि दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है। तो ये लोग मिले, मतलब नूरा कुश्ती आपने देखी होगी, नूरा कुश्ती करते हैं एक दूसरे से और मीडिया में जाके एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर शाम को बैठ के साथ में चाय पीते हैं। ये दोनों एक एक ही हैं। तो मैं तो समझता हूँ जब से इन दोनों ने MCD और दिल्ली में सरकार बनाई है तो दिल्ली 25-30 साल पीछे कर गए इन लोगों ने। विजय जी, बात की जाए अगर दिल्ली में आबकारी नीतियों की, तो आप उससे कितना वाकिफ रखते हैं, कितना आप उस पर विश्वास करते हैं, आपके क्या विचार हैं उस चीज पे? देखिए, केजरीवाल जी ने दिल्ली को शराब की राजधानी बना दिया है। पहले 300 कुछ ठेके होते थे, अब 800 कुछ कर दिए हैं, ठेकों की संख्या तिगुनी कर दी है और एक बोतल पे एक फ्री कर दी है। तो ये लोगों को मारना चाहते हैं, इन लोग पूरी दिल्ली को शराबी बनाना चाहते हैं, और जो बहुत ही नुकसानदेह, हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को बड़ी दिक्कत होती है इस चीज़ से। और जो ठेके भी खुले हैं वो हमारे जो जहां हम लोग रहते हैं उसके आसपास, निवासियों के, स्थानीय निवासियों के आसपास जो खोले जा रहे हैं, ये बड़ा दुख का विषय है। क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या हमारे घर की गृहणियों को होती है जो आम आदमी पार्टी को वोट करती है, और उनके घर में आजकल है लोग, घर में राशन नहीं है लेकिन आप जाके देखेंगे एक के साथ एक फ्री के हिसाब से लोगों ने पेटियों के साथ दारू रखी हुई है। तो लोग मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे। ये बहुत गलत नीति केजरीवाल की है, जो माता बहन इसको बर्दाश्त करने वाली है नहीं। अगर बात की जाए आपकी, आप क्षेत्र में किस तरीके से, अगर वार्ड की बात की जाए आपके, तो वार्ड में किस तरीके से आप तैयारियां कर रहे हैं आने वाले चुनाव के लिए? अगर बात की जाए चुनावी रुझान को लेके, तो क्या आपको लगता है जनता किस तरीके का यहाँ रुझान है, किस तरीके से आप जो है आपकी तैयारियां, चुनौतियां आपकी, आप हमसे साझा करें। देखिए, जब 2 साल पहले दिल्ली विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ था, मैंने तभी निर्णय ले लिया था कि मैं इस चुनाव को लड़ने जा रहा हूँ, और मैंने अपनी पार्टी के लोगों को अवगत कराया था, और उसी वजह से मैंने दिल्ली प्रदेश महासचिव का पद भी छोड़ दिया था, क्योंकि मैं चाहता क्षेत्र में रहकर क्षेत्र में काम करने का, लोगों के बीच रहकर काम करने का चाहता था। और मैं लगभग 2 साल से क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को देख रहा हूँ, लोग अपने स्तर पर जो मुझसे होता है उन समस्याओं का समाधान भी करता हूँ, जैसे सफाई की व्यवस्था है, किसी व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, किसी के वोटर कार्ड नहीं बन रहे हैं, उसके लिए हमने कैंप लगाए। जब लॉकडाउन में लोग परेशान थे, हमने राशन बांटने का काम किया, हमने मास्क बांटने का काम किया, हमने लोगों को, क्योंकि यहाँ पूर्वांचल के और बिहार के काफ़ी लोग यहाँ किराए पर रहते थे जिनकी आजीविका ख़त्म हो गई थी, बड़े परेशान हो गए थे, तो जो हमसे बन पड़ा उनके लिए उनको, जैसे हमारे यहाँ कुछ किराएदार भी रहते थे उनका हमने किराया माफ़ किया, उनसे किराया लिया जब तक वो रहे, और जब उन्हें गाँव भी जाना हुआ तो उनकी कुछ मदद करके उनको गाँव भी पहुँचाने का काम किया। और क्षेत्र में जो भी यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड, सफाई से रिलेटेड, पार्कों से रिलेटेड जो भी समस्या जो हमारे बस का होता है हम उतना करवाते हैं। आपने देखा होगा कोंडली में काफ़ी सारे पार्क हैं, आज आप देखिए सारे उजड़े पड़े हैं, पार्कों में पानी नहीं है। दिल्ली सरकार ने कभी पीछे समर्सिबल वगैरह सब बैन कर रहे थे तो पार्कों में पानी नहीं था, टैंकरों से पानी नहीं आता, जिससे पार्कों की व्यवस्था बहुत खराब हो गई थी। सफाई की व्यवस्था इतनी खराब है कि आप गलियों में जाएंगे जो उन्होंने सीवर जो डाले थे उनके लिए जो गड्ढे खोदे वो आज तक नहीं भरे हैं, लोग वहाँ पे साइकिल मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं वो आज तक वो गड्ढे भरे ही नहीं गए हैं, और वहाँ कीचड़ और ज़्यादा हो जाता है। सफाई का काम बिल्कुल सुचारू रूप से नहीं है, क्योंकि आधे समय तो हड़ताल पर होते हैं सफाई कर्मचारी, उनकी सैलरी नहीं मिलती है। तो बहुत सारी समस्याएं क्षेत्र में हैं, हमारे यहाँ कोई अच्छी लाइब्रेरी नहीं है। हमारे यहाँ मैं चाहता हूँ जब भी मैं चुनाव जीत कर आता हूँ सबसे पहले हम बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बनाए, जिससे बच्चे वहाँ पढ़े, वहाँ आकर बैठ के पढ़ें। हमारे यहाँ कई सामुदायिक केंद्र कम हैं, आबादी के अनुसार नहीं है, जो डिस्पेंसरी है वो नहीं है, तो आबादी के अनुसार जो चीज़ें होनी चाहिए मूलभूत सुविधाएं वो नहीं है। यदि मैं जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो मैं इन सब चीज़ों पर काम करूँगा, और अपने क्षेत्र की जनता का जो आशीर्वाद मिलेगा उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 4-4 बार उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई, पर वो कहने में विश्वास नहीं करते, हम लोग करने में विश्वास करते हैं, हम करके दिखाते हैं, हम अपना रिजल्ट आने के बाद बताते हैं कि देखिए हमारे इतने मार्क्स हैं, 90% 95% से पास हुए हैं, हम तब बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हम झूठे वादे कर ले और वो 5 साल बाद जब हम दोबारा लोगों के बीच में जाएं फिर वो लोग हमसे पूछे जी आपने ये वादा किया था 5 साल पहले और आज आप कहाँ हैं, आप लोग वहीं खड़े हैं।
तो ऐसा कोई वादा न बहुजन समाज पार्टी करते, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी मुखिया हैं और वो जो भी निर्णय लेती हैं वो पार्टी और क्षेत्र के लोगों के हित में होता है। उत्तर प्रदेश आपके सामने उदाहरण है। आप यदि आज लखनऊ को, नई लखनऊ को जानते हैं तो बहन कुमारी मायावती जी की वजह से जानते हैं। आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा को जानते हैं तो बहन कुमारी मायावती जी की वजह से जानते हैं। जो मेट्रो नोएडा आप जानते हैं, मेट्रो रेल, वो बहन जी के टाइम में, आपने एक्सप्रेस हाईवे देखा होगा, ताज एक्सप्रेस हाईवे, सब बहन जी के टाइम का ही है। लेकिन ये काम बहन जी ने करवाया और सीधा किसी और ने काटे वो अलग बात है। लेकिन हमारी पार्टी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कहने में नहीं करने में विश्वास करते हैं, क्योंकि हम लोग एजेंडा कोई हम मैनिफेस्टो नहीं लाते हैं। मैनिफेस्टो हमारा जो हमारा संविधान है उसी को हम मैनिफेस्टो मानते हैं। बहन कुमारी मायावती जी का सीधा सीधा कहना है कि यदि हम सत्ता में आते हो, जो संविधान में जो संवैधानिक अधिकार हमें मिले हैं, मौलिक अधिकार हमें दे, हम उनकी रक्षा करेंगे। और जो हमें जैसे संविधान में लिखा है कि जो व्यक्ति इस देश के अंदर पैदा होता है उस दिन से लेकर उसके मरने तक इस देश के संविधान की, इस देश की सरकारों की जिम्मेदारी है। आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। मैंने ऐसे ऐसे विभिन्न वो देखे थे कि एक जानवर सड़क पर मरा हुआ पड़ा था, कोई उसे खुरच के खा रहा था, भूख, पेट की भूख ऐसी थी। तो आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने तो लोगों को यहाँ विवेक विहार बस स्टैंड पर खड़ा कर लिया कि जाओ भाई यहाँ से निकालने का काम किया था। उन्होंने सीधा कहा था कि आप अपने अपने घर चले जाओ, उनकी खाना पानी, रहने की व्यवस्था, दाना पानी, रहने की व्यवस्था की तो उन्होंने नहीं कही, बल्कि उनको यहाँ से भेजने का काम किया। इससे पहले भी वो कई बार कह चुके कि बाहर के प्रवासी लोग आते हैं कि भाई यहाँ पहले दिल्ली के लोगों का इलाज होगा, जब यहाँ पे दिल्ली ही प्रवासी लोगों की वजह से बसी है जी। आप उनको बात बात पर ताना देने का काम करते हैं, हॉस्पिटलों में पहले इलाज दी। सर, जो प्रवासी अगर यहाँ नहीं आते दिल्ली का निर्माण नहीं होता, तो जो दिल्ली का निर्माण हुआ है प्रवासियों की वजह से हुआ है और ये लोग प्रवासियों के बिल्कुल खिलाफ रहते हैं। तो समस्या है। और जो मैं देखता हूँ, जैसे सफाई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, आप पानी आप पी लीजिए, पानी एकदम गंदा आता है वो व्यवस्था, और जब कहते हैं कि हमारा पानी फ्री, बिजली हाफ, पानी माफ, ऐसा कुछ नहीं है। 2,000-3,000 के बिल आ रहे हैं हमारे, बिजली के बिल आ रहे हैं हमारे, ऐसा कुछ नहीं है। आप 200 यूनिट तक फ्री है, लेकिन 201 हो गई तो आपको 201 यूनिट का ही पूरा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक यूनिट का देना पड़ेगा, 200 यूनिट पूरी का देना पड़ेगा। तो दिल्ली सरकार और बीजेपी के जो एमसीडी की सरकार है, इनके कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। और लोग इस बार जो है दिल्ली के लोगों ने मन भी बना लिया कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे, और बड़ा अच्छा समर्थन मिलता है, क्योंकि मैं कोंडली गांव से, प्रॉपर कोंडली गांव से ही हूँ, यहीं पड़ा पला बड़ा हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ। तो यहाँ के करीब करीब हर घर में मेरी जान पहचान, हर घर मुझे जानता है, ये चेहरा हर घर में गया हुआ है। मैं समय समय पर लोगों से मिलता रहा हूँ और 2 साल से तो लगातार क्षेत्र में ही रहा हूँ। तो जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान कराएंगे यदि जनता का आशीर्वाद मिलता है। और आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस जो कोंडली वार्ड की जो दुर्दशा केजरीवाल जी और बीजेपी ने कर रखी है, तो उसकी जो है यदि उससे निजात पाने तो बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे लोग, और ये मैं आशा करता हूँ, मुझे विश्वास भी है जी। एक आखिरी मेरा आपसे सवाल होगा विजय जी, कि हमारे जो दर्शक हैं, जो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, तो उनके लिए कोई आपका मैसेज, ऐसा मैसेज हो जो उन तक पहुंचा सकें आप, तो आप हमें बताएं जी। मैं अपने क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूं कि मैंने समय समय पर सभी लोगों का ध्यान रखा है, उनकी हर तरह से हर स्तर पर मदद करने की कोशिश करी है। जब जब मुझे मौका मिला है उनके बीच में मैं गया हूँ, उनके दुख सुख में उनके साथ रहता हूँ। तो मैं हाथ जोड़कर सभी क्षेत्रवासियों से यह अपील करना चाहता हूँ कि इस बार अपने बेटे को, अपने भाई को कोंडली वार्ड से भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे, तो आप लोगों का एहसान होगा। और इस एहसान का बदला मैं आपको मरते दम तक, जब तक मेरी सांस चलेगी, इस एहसान का बदला मैं चुकाता रहूँगा। आप लोगों के लिए हर समय खड़ा रहूँगा। आप चाहे रात के 2 बजे फ़ोन करेंगे, मैं एक कॉल पर आपके बीच में होऊंगा, आपकी समस्याओं का निवारण करूँगा। वैसे इसके साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालकर मुझे टाइम दिया, मेरी बातों को जन जन तक पहुँचाने का काम किया, और आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।